अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो संगठित नहीं होते। आप चार शराबी आराम से हंसते खेलते दिखा सकते हो, चार विद्वान एक साथ हंसते खेलते दिखा दो तो मान जाओ, चार शराबी मस्त रहेंगे, चार जुआरी मस्त रहेंगे, चार विद्वान कभी एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि चार शराबी एक साथ क्यों और चार विद्वान एक साथ क्यों नहीं, तो समझ में आया कि शराबियों को जुआरियों को अपमान मिलता है, शोषण मिलता है। अपमान, शोषण और गालियां सब लोग मिलके भोगना चाहते हैं इसलिए साथ रहते हैं, और सम्मान आदमी अकेला भोगना चाहता है इसलिए अकेला रहता है। उनको पता है कि गाली पड़ेगी अपने को तो सब साथ में ही रहो, कि छह पड़ेगी तो सब बांट लेंगे, एक एक छह लोगों में आ जाएगी। और विद्वान क्या कहता है कि अच्छाइयां मिलेंगी तो सब मुझको ही मिल जाए, बस किसी और को ना मिले, इसलिए विद्वान अकेले रहते हैं और शराबी आपको हमेशा